हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स विद फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फॉरेस्ट बीटर गार्ड फ्राई। तो रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें रेसिपी। यहाँ देख सकते हैं हमने 300 ग्राम बीटर गार्ड ले लिया है। इसके आगे पीछे हम काट देंगे, जो आगे पीछे का भाग है हल्के हल्के निकाल देंगे। उसके बाद इसे इस तरह राउंड राउंड काट लेंगे, ज्यादा मोटा नहीं काटेंगे, पतला हिसाब से काटेंगे। इस तरह एकदम पतले पतले गोल गोल हमें इसे काट लेना है, क्योंकि इसे सूखी भाजी हमें बनानी है, फ्राई करना है। इस तरह हमने सारे काट लिए, इसे अच्छे से पानी में धो के साफ करके अब हम रख लेंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से साफ करके रख लिया है। और साथ में हमने 7-8 ग्रीन चिली इस तरह ले लिए, पीस से काट के ग्रीन चिली, और 6-7 लहसुन की कलियां हमने ले लिए। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें हम ऑयल थोड़ी गर्म हो जाए तब हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, लहसुन और मिर्चा डाल देंगे और गर्म तेल में थोड़े से अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम सारे फॉरेस्ट बीटर गार्ड सारे कटे हुए डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर अभी गैस का फ्लेम तेज रखा है हमने, तेज फ्लेम में हम 1-2 मिनट इसे अच्छे से चलाएंगे। तो चारों ओर से हल्दी और नमक को अच्छे से इसमें मिला लेना है, अच्छे से इसे चला लेना है। अब हम ढक्कन से ढक देंगे और गैस के फ्लेम को कम करके 10 मिनट तक इसे कम आंच में पकने देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट हमारे हो गई है। अब इसे हम ढक्कन हटा देते हैं और गैस का फ्लेम भी हमने तेज कर दिया है, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो गई है, मतलब या आधा ज़्यादा ये बन गई है। अब इसे अच्छे से हमें भुनना है, थोड़े क्रिस्पी होने तक इसे भुनना है अच्छे से। इस तरह तेज आंच में हमें चारों ओर से बीच बीच में भूनते रहना है, धीरे धीरे ये अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून जाएगी। ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल भाजी बिल्कुल तैयार होगी। इस तरह के हमें तैयार कर लेना है, तो बीच में चलाते चलाते ये इस तरह अच्छे से तैयार हो जाएगी। हम गैस बंद कर दिए हैं, भाजी सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बीटर गार्ड भाजी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए खाने में काफी अच्छी लगती है, फॉरेस्ट बीटर गार्ड। ये करेला नहीं है, ये फॉरेस्ट बीटर गार्ड है, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। ये बहुत ये सीजनल सब्जी है, सिर्फ बारिश के दिनों में ही मिलती है, पूरे मौसम ये नहीं पाई जाती है। तो जब भी ये मिले आप ज़रूर लाएं और इस तरह घर में इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।